इंदौर से इस वक्त एक बड़ी खबर, जहां पर युग पुरुष धाम आश्रम का मामला, जहां पर एनसीपीसीआर की सदस्य डॉक्टर दिव्य गुप्ता आज दिल्ली जाएंगी, पीएम मोदी को आश्रम की रिपोर्ट सौंपेंगी। पीएम के निर्देश पर आयोग ने यहां पर जांच की थी, आश्रम संचालकों की लापरवाही इस पूरे मामले में सामने आ रही है। संचालकों के पास से कोई वैक्सीनेशन का डेटा तक नहीं मिला है, बच्चों के सैंपल की रिपोर्ट भी सामने आई है, कई बच्चों में एनीमिया यानी खून की कमी, तो कई के पेट में कीड़े पाए गए। प्रशासन ने आश्रम खाली करवा लिया है, 123 बच्चों को परमानंद आश्रम में शिफ्ट किया गया है, बाकी बच्चों को भी दूसरे आश्रमों में शिफ्ट किया जा रहा है। वर्तमान में अस्पताल में 23 बच्चे भर्ती हैं। बता दें कि 5 बच्चों की जान चली गई थी, ये मामला लगातार IBC 24 ने पूरी जिम्मेदारी के साथ और गंभीरता के साथ में उठाया था, और इस मामले में लगातार हमने आपको अपडेट दिखाया, और अब ये जानकारी आ रही है कि NCPCR की टीम जो है वो पहुंची थी जांच के बाद, और आज इनके सदस्य से मुलाकात करेंगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रिपोर्ट सौंपने के लिए। निहारिका हमारे सहयोगी जुड़ रही है। निहारिका, ये लगातार खबर, हम युग पुरुष धाम आश्रम में लापरवाहियों से जुड़ी खबर को हमने प्रमुखता से दिखाया था, और अब NCPCR की रिपोर्ट में भी कमोबेश इसी बात का जिक्र, क्या जानकारी? जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। राष्ट्रीय बाल अधिकारी एवं संरक्षण आयोग की सदस्य जो है डॉक्टर दिव्या गुप्ता, वो पिछले 2 दिनों से लगातार जांच पड़ताल कर रही थी। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस मामले में संज्ञान ले रहे थे, और उन्होंने दिव्या गुप्ता को सीधे निर्देश दिए थे कि जिस भी तरह से रिपोर्ट तैयार होनी है उसे पूरी तैयार करके दिल्ली लेकर आया जाए, ताकि वे भी मामले में पूरी तरह से संज्ञान ले सके, क्योंकि इंदौर जैसे शहर में इतनी बड़ी घटना हुई है जिसके बाद लगातार आश्रम की लापरवाही सामने आ रही है। हाल ही में उन्होंने जब ये डेटा मांगा कि कितनी वैक्सीनेशन हो चुकी है, कौन सी वैक्सीन अभी बच्चों को लगनी बाकी है, तो जब ये डेटा उनसे मांगा गया तो आश्रम संचालक और जो प्राचार्य है वो दोनों ही टालमटोल करते नजर आए, बहाने बनाते नजर आए, और इससे सीधी आशंका है कि उनके पास वैक्सीनेशन का कोई भी डेटा जो है वो भी नहीं था। इनफैक्ट उनको एक दिन का समय भी दिया गया, तो उसके बाद भी उन्होंने वैक्सीनेशन का डेटा सबमिट नहीं किया। इसी के साथ जो बच्चों के सैंपल्स लिए गए थे उसमें कई बच्चों के पेट में कीड़े निकले हैं, कई को एनीमिया निकला है, और के अलावा हैजा तो काफी सारे बच्चों में पुष्टि हुई ही थी उसकी, जिसके चलते जब उनसे उसका भी डेटा मांगा गया कि किस बच्चे में कितनी चीजें पाई गई है, किस तरह की सैंपल्स पाए गए, तो उसका डेटा भी उनके पास नहीं निकला है। हालांकि अब जो बच्चे हैं उनमें से 23 बच्चे ही ऐसे बच्चे जो अस्पताल में भर्ती है, बाकी सभी लोगों को दूसरे आश्रम में ट्रांसफर कर दिया गया है, और उस आश्रम में काम भी शुरू कर दिया है। आज जो दिव्या गुप्ता है वो दिल्ली जा रही है, दिल्ली जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पूरी रिपोर्ट सौंपी जाएगी, और उसके बाद मामले में उसके बाद जो भी अपडेट निकल के सामने आएगा निहारिका आपसे बात करेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी। दिल्ली पहुंचेंगी, पीएम मोदी को आश्रम की रिपोर्ट सौंपी जाएगी। पीएम के निर्देश पर आयोग ने ये जांच की थी, आश्रम संचालकों की लापरवाही इन सब के बीच सामने आ रही है, ये रिसा रिपोर्ट के मुताबिक, और संचालकों के पास वैक्सीनेशन का कोई डेटा नहीं मिला है, बच्चों के सैंपल की रिपोर्ट भी जो सामने आई है उसमें कई बच्चों में एनीमिया यानी खून की कमी और कई के पेट में कीड़े तक पाए गए हैं। प्रशासन ने आश्रम को खाली करवा दिया है, 123 बच्चों को परमानंद आश्रम में शिफ्ट किया गया है, बाकी बच्चों को भी दूसरे आश्रमों में शिफ्ट किया गया, और वर्तमान में अस्पताल में 23 बच्चों का इलाज अभी भी किया जा रहा है। डॉक्टर दिव्या गुप्ता आज दिल्ली जाएंगे, पीएम मोदी को आश्रम की पूरी रिपोर्ट सौंपी जाएगी। पीएम के निर्देश पर आयोग ने इस पूरे मामले की जांच की थी, आश्रम संचालकों की लापरवाही भी इस जांच में सामने आ रही है। संचालकों के पास कोई वैक्सीनेशन का कोई डेटा भी नहीं मिला, हालांकि बच्चे यहां पर कई हैं लेकिन वैक्सीनेशन का कोई डेटा नहीं मिला है। बच्चों के सैंपल की रिपोर्ट भी अब सामने आ चुकी है, कई बच्चों में एनीमिया तो कई में पेट में कीड़े यानी कृमि पाए गए हैं। वहीं प्रशासन ने आश्रम को फिलहाल खाली करवा दिया है। आपको ये भी जानकारी दे दें कि 123 बच्चों को परमानंद आश्रम में अब शिफ्ट कर दिया गया है, वहीं बाकी के बच्चों को भी दूसरे आश्रमों में भी शिफ्ट किया जाएगा। इस खबर पर हमारी संवाददाता निहारिका शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही है। निहारिका, इस आश्रम से लगातार कई लापरवाही सामने आई है, लेकिन अब अहम बात यह कि अब रिपोर्ट जो है वो सीधे दिल्ली जाएगी, और उसके बाद देखना होगा कि किस तरह से पूरा एक्शन लिया जाता है।
जी देखिए, लगातार भोपाल में यानी कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव तो इस मामले में संज्ञान ले ही रहे थे, लेकिन जैसे जैसे मामला बड़ा हुआ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस मामले में संज्ञान लेने लगे। उन्हीं के निर्देशों के बाद राष्ट्रीय बाल अधिकार एवं संरक्षण आयोग जो है उनकी सदस्य है डॉक्टर दिव्या गुप्ता, उन्हें सीधे निर्देश दिए गए थे कि वे आश्रम जाए, अस्पताल जाए, पूरे मामले की जाँच करे, एक रिपोर्ट तैयार करे और उस रिपोर्ट को दिल्ली लेकर आए। आज वे वो सारी रिपोर्ट जो है उसे तैयार करके दिल्ली रवाना हो रही है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करके पूरे मामले का डेटा जो है उन्हें सौंपेंगी। दरअसल अगर आयोग ने जो जांच की उसकी बात करें तो आयोग का सबसे पहला सवाल था कि बच्चों की कितनी वैक्सीनेशन हो चुकी है, उसका डेटा दिया जाए। तो जैसे ही डेटा मांगा गया, दोनों ही जो प्राचार्य थे और जो सचिव थे, दोनों एक दूसरे की बगले झांकने लगे और ये एक मामला जो है बड़ा होते गया, क्योंकि दोनों के हाथ खाली थे। इन लोगों को एक दिन का समय भी दिया गया कि आप अगले दिन हमें वैक्सीनेशन का डेटा जो है वो सौंपिएगा, तो उनके पास वैक्सीनेशन का डेटा जो था वो मिसिंग था। उसी के साथ जब बच्चों का सैंपल लिए गए थे, उसकी रिपोर्ट सामने आई तो पता चला कि बच्चों के पेट में कीड़े हैं, तो कई बच्चों को अनीमिया हुआ हुआ है और जिस तरह से रिपोर्ट पहले सामने आई थी उसमें हैजा की पुष्टि तो कई बच्चों में हुई थी। ऐसे में जब उसके भी डिटेल जानकारी मांगी गई कि क्या इस तरह की जाँच इनकी कराई गई थी, रिपोर्ट इन लोगों की होगी, वो रिपोर्ट भी मिसिंग पाई गई है। ये पूरी रिपोर्ट जो है उसे तैयार करके डॉक्टर दिव्या गुप्ता आज जा रही है। 123 बच्चे जो है उन्हें परमानंद आश्रम में शिफ्ट कर दिया गया है, 23 बच्चे अभी भी भर्ती है और इनके अलावा जितने बच्चे हैं उनको भी दो अलग अलग आश्रमों में शिफ्ट कर दिया गया है। जो आश्रम है यानी कि युग पुरुष धाम आश्रम, उसको पूरी तरह से खाली करा दिया गया है और कलेक्टर आशीष सिंह को सीधे निर्देश है, उनकी जांच दल जो है वो लगातार टीम जांच कर रही है। और ऐसे में जिस तरह से लापरवाहियों का इनका गड्ढा जो है वो खुदता जा रहा है, तो इन लोगों की कई सारी ऐसी चीजें निश्चित तौर पर निहारिका, युग पुरुष धाम आश्रम की ये लापरवाही तो सामने आई है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये भी उठता है कि क्या इस तरह का कोई हादसा हो या इस तरह का कोई खबर हो उसके बाद ही क्या हम एक्शन लेंगे, क्या सभी आश्रमों की लगातार जांच नहीं की जानी चाहिए? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि जैसे ही ये मामला सामने आया था उसके बाद ही कलेक्टर ने इसमें संज्ञान लिया था। उसके पहले सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये अनुदान प्राप्त आश्रम है, यहाँ पर सरकार की नजरें हमेशा बनी रहती थी, कलेक्टर जो है जिला दंडाधिकारी वो यहाँ पर जाते रहते थे, इनफैक्ट दिवाली पर बच्चों के साथ ही दिवाली मनाई जाती थी। तब तक किसी को ये समझ में नहीं आया कि ये जो 100 बिस्तर का आश्रम है इससे 207 बच्चे रह रहे हैं। सभी कुशल मंगल वहाँ पर हम लोगों को स्थिति बनी हुई दिखी, क्योंकि एक तस्वीर जो है वो झूठी आंखों के सामने लगाई गई थी। लेकिन जिस तरह से बच्चों की मौतों का आंकड़ा सामने आया, उसके बाद जब इतने सालों का रिपोर्ट यहाँ पर देखा गया, तो इन लोगों की ना ही डेली जांच होती थी, ना ही, क्योंकि मंद बुद्धि बच्चे हैं, मानसिक दिव्यांग बच्चे, तो ऐसे में इन लोगों की डेली जांच होने के निर्देश रहते हैं, इन लोगों के पोषण आहार जो होता है उसका खास ख्याल रखना होता है, लेकिन इस तरह की कोई भी सुविधा बच्चों को नहीं दी जा रही थी। हमने वैक्सीनेशन की तो बात की, लेकिन इन लोगों का जो मंथली मेडिकल रिपोर्ट तैयार होता है वो तक मिसिंग था रचना जी। चलिए, खबर पर नजर बनाकर रखिएगा निहारिका, क्योंकि निश्चित तौर पर एक बेहद संवेदनशील ये मामला है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका